हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे बात हो रही है मेरी दीदी की लड़की की शादी, मतलब मेरी भांजी की शादी। तो आज से उसका शगन शुरू हो रहा है। तो दीदी पूरे परिवार के साथ आए हैं, साथ में दो भिखमंगे भाई भी लाए हैं मेरे। भिखमंगे नहीं कहते, बड़े भाई हैं। तो आज से दीदी का शगन करेंगे, माइक की तरफ से होता है, ननिहाल की तरफ से, ताकि लड़की के सारे शगन, मतलब जो जो रस्में होती हैं वो सारी शुरू की जाएं। तो ये टीका हो रहा है, टीका होगा, सुहाग की सारी चीज़ें आप दीदी को दी, और ये लला मजनू पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं अपनी। आफ्टर दैट ये जो मिठाई बड़ी मस्त थी यार खाने में, अच्छे शर्मन जैन स्वीट्स की मिठाई थी, बहुत सही मिठाई है इसकी, आप भी कभी टेस्ट करना। तो ये पहला शगुन है हमारा। तो ये इसलिए किया जाता है बिकॉज सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाए, तो ये करती भी सुहाग नहीं है, और इससे सारी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाती है, सारी बुरी नज़रें ख़त्म हो जाती है, क्योंकि शगुन अच्छे शगुन करने शुरू करने से पहले ये करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे सब अच्छे अच्छे से हो जाता है। आज हल्दी करनी है, तो ये मैं भी हल्दी लगा रहा हूँ उसके। ये जो रस्म होती है बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वैसे ही पहले करनी चाहिए थी, इन्होंने बाद में करी है। ये होती है बड़े बुजुर्गों के नाम का दिया जलाना और उनका आशीर्वाद लेना, ताकि सब कुछ अच्छे अच्छे से होता रहे। सबसे पहले उनको पूजा जाता है। तो हल्दी की रस्म के बाद हमने रात को की मेहंदी, मेहंदी सेरेमनी, और इसके मेहंदी बहुत अच्छी लगाई मेहंदी वाले ने। और नेक्स्ट डे था चूड़ा, तो ये मैं और मतलब लड़की की मामा मामी उसको चूड़ा चढ़ा रहे हैं। और चूड़ा चढ़ाते समय सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात, दुल्हन की आंखें बंद होनी चाहिए, वो चूड़ा चढ़ते हुए देख नहीं सकती। इवन उसके बाद उसको कवर भी करते हैं, वो शादी वाले दिन ही अपना चूड़ा देख सकती है, उससे पहले नहीं। और ये फिर मैं घर आके तैयार होने लग गया। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद पहुँच गया हम सीधा मैरिज हॉल में, और ये हमारी दुल्हन की एंट्री है। ये दुल्हन आ रही है, और ये मेरे सारे कजन्स खड़े हैं, मतलब सारे रिलेटिव्स खड़े हैं जो उसको लेके आ रहे हैं। अच्छी लग रही है। ये हमारे जॉय साहब जो दुल्हन को हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके जा रहे हैं, अभी से नखरे शुरू हो गए दुल्हन के। रिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी के बाद डिनर। जोड़ी अच्छी लग रही है ना, कमेंट करके बताना। चलो जी फाइनल स्टेप, अग्नि के साथ फेरे। हाँ भाई बड़ी जल्दी है दूल्हे को। भाई अब हमारी बेटी हुई आप लोगों की, मांग भर दी, मंगलसूत्र भी डाल दिया। यहाँ पे गाना चलना चाहिए, शादी करके हंस गया यार, अच्छा सा दोबारा। फाइनली गाइस मेरा ये व्लॉग कंप्लीट हो गया है, जिसमें मेरी भांजी की शादी थी, और शादी के बाद तो और भी ज़्यादा बिजी हो गया था मैं। वैसे ही फ्री हुआ सबसे पहले व्लॉग एडिट करके कंप्लीट किया, एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, बिकॉज ये सब कुछ जो 3-4 दिन मैंने किया वो सब उसमें मैंने शेयर किया आपके साथ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।
टेक केयर, गुड नाइट।